वन्दे Sri भक्तबिन्दसमन्नितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिकाः चरणोदयं गोपीजनो समयुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छा कल्पतरु वश्य के पास सिंधु व्यवच पतितानं पावनि भव विष्णु विभ्यो हो नमो नमः मूकं करोति वाचा लंग पंगुंग लंगहैत गिरिम यत्कि पातमहंग बन्दे परमानन्द माधवम ब्रन्दा होई तुलसी दे पीया वही केशव सच

भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् धेयं सदा परिभवग्नमभिष्टदूहं तेथास्पदं शिवविरुञ्चनुतं शरण्यं भीतात्त्युहं पुनतपालभवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय বিসু রজিত কিমি বুধুষ্দর্শি পূর্ণাগর সসগর সারমূর সারাধি কাঙ্ করছি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্তনন্দ শ্রিয়দ্গদাধর শিবসদী শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্তনন্দ सियाद्वैतगदाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम, राम हरे हरे अजानुलबितुजौ कनका बुधा संकर्तन कमलाताक्ष विषाबरुद्विजबरुजुगर मुलौ वंदे जगत्प्रियकृ करुणा भूतारू हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे नमामि गङ्गे तवपादुपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिञ्च मुक्तिं च ददासि निं न सदा नरनं गङ्गातरङ्गरमणीयजटा कलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्वमभागं नारायणो प्रियमनङ्गोमदापहारं वरानुसीपुरपती भजवीशनाथम् <coughs> गीषुष्वदे लक्ष्मीर्जस्व चक्षसि ज्यास्ते हृदय संबी िंगमह भजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 न सस्यात् सज्जनो न सस्यात् पिता न सस्यात् सज्जननी न सस्यात् दैवं न दैवं न तत्स्यात् न पिता न पितानो पिताश्वशस्यात् Doibam na ta chyat, na no pitam cha sa chyat, na no mo cha et ja samupeta mityam. Gurur na sa chyat, sajjano na sa chyat, pita na sa chyat, sajjano ni na sa chyat, doibam na ta chyat, na no patishcha sa chyat, na no mo cha et ja samupeta mityam. Gauriya Goshtipati, श्री भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती को ठाकुर अगर जगत गुरु जी ने बताए हम उस हम ऐसा एक परम महान गुरु का चरण में अपना आत्मसमर्पण करना चाहूं जो मेरे को सामग्री रूप से हंड्रेड परसेंट मेरा मंगल का व्यवस्था कर सके गौरी गोष्ठीपति पोती भक्ति अभोक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जगह जगत गुरु जी ने बताए मैं उसी गुरु का चरण में अपना आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हूँ सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ जो मेरे लिए वास्तविक सामग्रिक मंगल हंड्रेड परसेंट मंगल का विधान कर सके भगवान जिसका कर में है भगवान जिसका करकमल में मेरा मंगल का सारे जुमा मेरा अमंगल और मंगल का पूरा जुमा मंगल का जुमा जिसका करकमल में दिया है मैं उसी गुरुचरण का चरण कमल में आत्मनिवेदन करना चाहूं जो मेरे को सब कुछ दे सके है, जो मेरे को चाहिए सदगुरु चरण का सेवा करने के लिए महान परमंश गुरु महान परमंक्ष मेरा गुरु जी का चरण कमल का सेवा करने के लिए मेरे को अनंत काल के लिए कांटेक्ट करके अगर नरक में जाना है तो इसके लिए भी मैं तैयारी हूँ <coughs> कोई हर्जा नहीं सदगुरु चरण कमल का सेवा करने के लिए मैं कांटेक्ट करके अनंत काल के लिए नरक में जाने के लिए तैयार हूँ मैं इतना बड़ा दाम्भिक हूँ ये जगत का जो मिसकंसेप्शन है उल्टा सीधा विचारधारा है ये सब विचार को ऊपर एक मुष्ठाघात ए फिस्ट ऑफ फ्यूरी लगाकर ये ए लोग का कंसेप्शन चूर चूर करने के लिए मैं तैयार हूँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती गुरु समि बताएं गुरु सेवा का मापिक इतना मंगलदायक कर्म और कुछ नहीं है सेवा का मापिक इतना मंगलदायक कर्म और कुछ नहीं है चरण का सेवा सबसे बड़ा मंगलदायक है इससे ऊपर और कुछ नहीं है वास्तविक विचार ये है परम पूज्यवाद मेरा अभिन्न गुरुपात पद्म परम जो है केशव गुश्यू महाराज कह रहे हैं आजकल के ज़माने में तमाम ये दुनिया जो है गिरे हुए इंसान को अपना आदर्श मन के अपना जीवन जिंदगी चलाने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ तक कि भजन का भी बहाना बना रहे हैं परम पूज्य बात सिलो भक्ति पुरगन केशव गुश्यू महाराज कह रहे हैं आजकल के ज़माने में ये दुनिया गिरे हुए इंसान को अपना आदर्श मन के आगे जा रहा है अब क्या हो सकता गिरे हुए इंसान को अगर अपना आदर्श मन ले आदर्श मन के आगे चले तो उसके लिए क्या हो सकता महाराज जी कह रहे हैं आजकल का जमाने में ऐसा हो गया जो चीज़ जहां मिलता नहीं महाराज जी कह रहे हैं जो चीज़ जहां मिलता नहीं वो जगह से वो चीज़ वो चीज़ प्राप्ति करने के लिए आदमी भाग रहा है दौड़ रहा है वहां वो चीज़ मिलेगा ही नहीं बिल्कुल नहीं है फिर भी ये चीज को प्राप्ति करने के लिए आदमी दौड़ रहा है उल्टा रास्ता पे जो जगह जो चीज़ मिलता ही नहीं है वो जगह वो चीज प्राप्ति करने के लिए आदमी का जो इच्छा है उस तरफ दूर रहा है जैसे भक्ति के लिए दूर रहा है जहां भक्ति है वहां जा नहीं रहा जहां भक्ति नहीं है वहां दौड़ रहा है आदमी जो श्लोक दे के शुरुआत किया था ये तो श्रीमद भागवत जी महापुराण का एक अनोखा श्लोक है ये श्लोक का विचार होनी चाहिए जो गुरु मेरे को रियलाइजेशन दे नहीं सकता जो गुरु मेरे को रियलाइजेशन दे ही नहीं सकता उस गुरु चरण का आश्रय लेके मैं क्या करूं? पोपा जी कह रहे हैं शो कॉल दीक्षा और वास्तविक दीक्षा एक नहीं है परम बुजतः केशव विश्व महाराज भी बहुत बार इस सब चर्चा किए हैं शो कॉल दीक्षा और वास्तविक दीक्षा एक नहीं है जहां दिव्य ज्ञान का अनुभूति नहीं हो पाएगा जहां दिव्य ज्ञान का उन्मेष नहीं हो पाएगा वो कैसा दिखा है जिस दीखा के द्वारा हमारा दिव्य ज्ञान का अनुभूति हो नहीं पाएगा वो कैसा किस्म का दिखा है वो बात कह रहे हैं एक सदगुरु एक महान आचार्यों बद्ध जीवों को बद्ध अवस्था में छोड़कर उसका दिखा का व्यवस्था नहीं करते आई बात समझ में वो बात कह रहे हैं एक महान जो कभी भी जीवात्मा का पतित अवस्था को इंटैक्ट रखते हुए दिखा नहीं देते दिखा देने का पहले आत्मसमर्पण के साथ साथ इनके जो पाप है सब कुछ है दिव्य ज्ञान जतूद अज्ञात कुरजात पापुष्य संक्षयम ये पहले होता है जो गुरु शिष्यों का पतित अवस्था को इंटैक्ट रख के दीक्षा देने का बहाना बनाता है वो गुरु गुरु नहीं है इसीलिए जो श्लोक देके शुरुआत किया था भागवत जी महापुराण का गुरु न स निश्चित रूप से वो गुरु गुरु नहीं हैं निश्चित रूप से वो सज्जन सज्जन नहीं है निश्चित निश्चित रूप से वो पिता पीता पिता नहीं हैं निश्चित रूप से वो माता माता नहीं है निश्चित रूप से वो देवता देवता नहीं है निश्चित रूप से वो स्वामी पति पति नहीं है जो मेरा जो जो मेरा सामने मुसीबत आ रहा है मुसीबत क्या है समोपे तो ये मित्तु बोल के जो चीज़ है आज तक इसका कोई सलूशन निकाला नहीं ये मौत बोल के जो चीज़ है इसका आज तक कोई सलूशन निकाला नहीं एक ही चीज़ है वो भजन करना पड़े भजन के अलावा कोई, कोई और कोई रास्ता नहीं है गुस्सा कोई रास्ता नहीं है परीक्षित महाराज जी को भी सुखदेव गोस्वामी जी ने यही एक ही बात बताए सुखदेव गोस्वामी जी एक ही बात बताए परीक्षित महाराज जी ने प्रश्न किया ना न अथो पृक्ष्यामी संसिद्धिम योगिना परम गुरुम पुरुष सेह य्य या मियमान सर्वथा मरणशील मानव के लिए क्या करना चाहिए आप कृपा करके बताओ ये कृपा करके आप बताओ कि क्या करना चाहिए समुख ये सामने मृत्यु है इसका क्या करना चाहिए सामने ये सब मरणशील मानव के लिए क्या करना चाहिए साधन क्या है अथो पृछामी संसिदिम योगिनाम परम गुरुम पुरुष सेह कार्य मृियम सर्व इसका उत्तर दिए सुखदेव गोस्वामी ये बड़ा अनोखा उत्तर सुनना चाहिए सब कोई को भय जगिनाम निप निर्णित हरेरनामानुकीर्तनम ये उत्तर दिए सुखदेव गोस्वामी एतत निवृत्त आनानम जो ये सांसारिक वस्तु का जो भोग राग जो कुछ है जो रनक है एंजॉयमेंट है ये देखते हुए बाद में ऐसा स्थिति में पहुंच गया कि महाराज ऑफ़ इट हमको और नहीं चाहिए ऑफ़ इट हो गया बस छुट्टी करो ऐसा अगर दिल में भावना आया एत मिच्छतम अकुतो भयम् अब ये प्रश्न आता है भय माने टोटली फियरलेस भय माने जहां किसी वस्तु में किसी जगह कोई डर नहीं है वो किसका हो सकता एक परम वैष्णव का एक परम वैष्णव छोड़ के किसी का हिम्मत नहीं है ये बात को साबित करे तो निर्भीक हो गया शाम और आदर वे दे आर गोइंग टू फियर क्योंकि ये लोगों का जो विचार है ये भगवत तत्व विज्ञान में भगवान का तत्वों में टिकता नहीं हर वक्त चंचल है थोड़ा बहुत आधा घंटा कीर्तन किया और एक घंटा हरिका था बोला बस उसके बाद संसारिक क्रम में बस खो गया ओ वस्तु ओ वस्तु खो गया ये जो चंचल हृदय वाले हैं ये लोगों के लिए संभव नहीं है इसीलिए भगवत जी में खुल्ला खुल्ला कह दिया भयम द्वितीय इशत अपत विपर्य अश्रुति तन्मया अतो बुधो आवयत्व भक्तिक ऐशम गुरुदेव तत्मा ऐसा कोई आदमी नहीं है दुनिया में जो डरता नहीं एक परम वैष्णव जो है अपना जीवन जिंदगी सब कुछ निछावर कर दिया भगवान का चरण में सदगुरु का चरण में एक ये छोड़कर बाकी किसी का बोलने का हिम्मत नहीं है कि महाराज टोटली मैं फियरलेस हो गया क्योंकि ये लोग असत्संग करते रहते हैं जितना भी मेरा सामने कसम से बोले यहाँ तक कि हमारा परम पूजा तिथुगुशी महाराज कहते थे ये सालगाम छोके भी कहे ये बोलो सालगाम छोके कहो कि हमको भगवान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए क्या हिम्मत है बोलो छोके हमको बस भगवान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए ऐसा हिम्मत ही नहीं है भगवान नहीं चाहिए भगवान से चाहिए भगवान को नहीं चाहिए भगवान से चाहिए ऐसा हालत है परिचित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी एक सुंदर सिखाए क्या सिखाए भले महाराज निवृत्तम अकुतो भयम जिंदगी में अगर फियरलेस होना चाहो निर्भी एक ही रास्ता खुला है नो नो ऑल्टरनेटिव नो ऑल्टरनेटिव एक रस्ता है वो है हरिभजन करना हरि कीर्तन करना भगवान का गुण कीर्तन करना बट आई नो यू कैन फील टायर्ड आधा घंटा के महाराज अच्छा नहीं लग रहा क्या करे अब कैसे करे जब तक सत्संग पक्का हो जाए परम पेशव कश कहते थे अगर सामने कोई साधु संग नहीं मिला तो ये मतलब नहीं कि मैं कपट आचार्य मिला कपट साधु मिला उसी का संग क्या करे महाराज ऐसा नहीं है सत्संग और असत्संग साइड बाय साइड चलता नहीं साइमल्टेनियसली यू कैन नॉट गो फॉर सत्संग एंड असत्संग बोथ एट अ टाइम सत्संग करने का मतलब है असत्संग को बिल्कुल त्याग देना ए रिजोल्यूशन इसको बाधा करना पड़ेगा असत्संग मैंने त्याग दिया जब ही आगे जल के आगे चल के यू कैन हैव द स्कोप टू हियर हरिकथा फोर्स पोपद कहते थे राइट right सोर्स का मतलब है शब्द ब्रह्मो बाजार का कथा का मतलब है शब्द सामान्य बाजार का कथा का मतलब है शब्द सामान्यो मतलब मेरा गुरुपाद पद्म परम केशव सिंह महाराज क्या कुछ नहीं चर्चा किया क्या कुछ नहीं चर्चा किया अरे ये वेदांतों का इतना बड़ा विद्वान है आचार्य जो है मैं क्या कहूं मैं हैरान रह गए इच्छेते न शब्दम है आदि समस्त वेदांतों का एक एक शब्दों गौणश्चित न आत्मशब्दम कितना अनोखा विचार किया हैरान रहने का बात है बहुत सुंदर तमाम हमारा गौरीय समाज में प्रभुपा जी ने जो कहा है कृति रत्नों ये तो हंड्रेड परसेंट इसका तो कोई इसका तो कोई गुंजाइश ये तो है ही है ये तो है ही है लेकिन हमारा पूरा गौरीय खानदान में ऐसा मापिक एक आचार जो हम महाराज जी के बारे में कुछ गप करने नहीं बैठे हम महाराज जी के बारे में कुछ गप करने नहीं बैठे जब महाराज जी का बारे में हर वक्त चिंता करता हूं जब एक एक विशेष बात आ, याद आ जाता है सिद्धांत विचार तो मैं सोचते रह जाता हूं अगर आज आज अगर पोहपात रहते तो एक ही विचार कहते गुरुदेव तात्मा महाराज एक वास्तव साधु को कैसे पहचाना जाए वाट इज अ सिंटॉम कैसे पहचाना जाए कि यह वास्तव साधु है कैसे पहचाना जाए हर आदमी तिलकमाला करता है डंडा फंडा लेने का तो व्यवस्था ही है अब कैसे समझे कि किसका अंदर में क्या है यह प्रश्नों अक्सर आते रहता है इसका उत्तर एक है अच्छा लगे ना लगे हमको मालूम नहीं है लेकिन ये पक्का सिद्धांत तो विचार है लाइक मैथमेटिक्स टोटल मैथमेटिक्स करने जाओ तो एक जगह एक छोटा सा गलती कर दिया एक छोटा सा गलती कर दिया स्टिल यू कैन गेट जीरो मैथमेटिक्स ऐसा चीज है एक जगह करते करते कैलकुलेशन में एक जगह थोड़ा सा गलती रह गया बस पूरा जीरो हो जाएगा कोई नंबर नहीं मिलेगा ये लोग अपना जीवन में तैयार कर लिया कि हमको भजन ही करना है भजन ही करना और कुछ नहीं करना है हमको भजन करना है अगर बाहरी विचार में कोई आदमी कह रहा है, मैं आज मारा है आप तो ये कर रहे हो ये कर रहे हो ये भी तो कर रहे हो आप वो भी तो कर रहे हो लेकिन इसको जानकारी नहीं है जब भक्ति विनोद ठाकुर जैसा महान गौर पार्षद हो सके कि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का चेयर में बैठे भजन का टेक्निक इतना गहरा विचार है भजन का टेक्निक ये है हाउ टू रिलेट ईच एंड एवरीथिंग विथ कृष्ण भजन ये हमारा ये महापुरुष का जिंदगी में देखे हैं हाउ टू रिलेट हाउ टू रिलेट ईच एंड एवरीथिंग विथ कृष्ण भजन दैट इज अ टेक्निक सिक्रेसी ऑफ भजन और एक थिंग और एक पक्का चीज है वो क्या है स्थिति जो स्थिति है एंड प्रीति स्ति और प्रीति ये साइड बाय साइड चलता है पहले का क्वेश्चन का उत्तर नहीं देते हुए मैंने ये बोलने के लिए अभी व्यस्त हो गया क्योंकि अगर भूल जाए याद रखना प्रीति और स्थिति अभिस्त्र कृष्ण पदार विंदयोर खिणौती अभद्राणी चशं तनोति शतश शुद्धि परमात्म भक्तिम ज्ञानं च विज्ञान विराग युक्तम ये जो स्थिति है वाट डू मीन बाय स्थिति स्थिति तो है ही है स्थिति तो है ही है ऑफिस का स्थिति है घर का स्थिति है कौन सी स्थिति कहना चाहते हो मेरा कहने का मतलब है एब्सोल्यूट स्थिति मेरा कहने का मतलब है एब्सोल्यूट स्थिति हर वक्त जिसका जिंदगी में गुरु वैष्णव भगवान और गुरु वैष्णव भगवान नाम धाम सब इसके स्ति हर वक्त जिसका जिंदगी में बने रहते हैं जिसका जिंदगी में ऐसा श्रुति जो गले को काट दो फिर भी गुरु जी का चिंतन भगवान का चिंतन हृदय से जाने वाला नहीं है महाराज अगर हम अगर अगर हमारा गर्दन देखे अगर हमारा गर्दन देखे भगवान का चरण मिलता है गुरु का किफा मिलता है तो भी सोचो कि सस्ता है इतना सस्ता कैसे हो गया अगर पूरा गर्दान को देखे गुरुचरण में मेरे को गुरु की पा मिलता है भगवत की पा मिलता है तो यूं समझ लो कि इतना सस्ता कैसे मिल गया कहने का मतलब है गुरु सेवा कौन है ये हमारा गुरुपाद पद्म शिलक केशव परम पूजा केशव को श्री के देखने से पता चलेगा और शिला बामन गुशी महाराज शिला भक्ति पोपुरी की सीमा ये लोगों को देखने से पता चलता है गुरु सेवा क्या है एक महापुरुष ने हमारा गोड़िया मटका शिला भक्ति बिलास तत्तू गोशी इन्होंने एक दफे चर्चा किया ये महाराज जो लोग गुरु सेवा करने के लिए तैयार हुआ है पहले छाती ठोक के बोले तू गुरु का दास है कि नहीं कि माया का दास है यह पहले बता अगर गुरु का दास है अगर गुरु सेवा करने के लिए तैयार कर लिया अपना इरादा तो यू समझ लो कि जलते हुए आग में छलाग लगाने के लिए आपका इच्छा हो गुरु सेवा के लिए यू विल हैव टू मीट एनी काइंड ऑफ इवेंचुअलिटीज किसी भी स्थिति का सामना करना पड़े जो साबित करके दिखाया हमारा गुरुपाद पद्म परम विधायक केशव गुस्सी महाराज जिन्होंने गप नहीं बोला कोई स्टोरी सुना नहीं हमारा परम विधायक गुरुपाद पद्म परमहंश आचार्य जो परम केशव गुस्सी महाराज से मैंने कभी गप नहीं सुना एक एक शब्द सुना तो तत्वों का एक दिगंत खुल गया इट्स इट्स वन काइंड ऑफ इवोल्यूशन महाराज इवोल्यूशन हो गया क्या बोल रहे हैं क्या कह रहे हैं महाराज हाँ ये रियलाइजेशन ये अनुभव की बातें हैं ये बाजार की बातें नहीं हैं। जो प्रश्नों का उत्तर देना जरूरी था पहले जो कैसे समझे ये कौन वास्तव गुरु का सेवक है कैसे समझे एक वैसे गुरु सेवक है कैसे समझे महाराज ये पक्का साधु है वाट इज अंटर्म सिम्टम का टतुस्सलखम स्वरूपल बहुत सारे चीज़ आता है कभी चर्चा हो पाएगा लेकिन मैं एक बेसिक चीज़ कहना चाहता हूँ बेसिक चीज़ जिसको याद रखे तो कभी भी कभी कभी भी कोई मक्कार धोखेबाज का चरण देखने का इच्छा नहीं होगी याद रखना मैंने अपना जिंदगी में इरादा पक्का कर लिया प्रोपा जी ने सिखाया मेरे को प्रोपा जी ने सिखाया मेरे को हे ठाकुर जी आप कृपा करो कि मेरा जिंदगी का बाकी जो जीवन है मेरा जीवन मेरा जिंदगी समाप्त होने वाला आप लोगों का कृपा से कितना जिएगा और पता नहीं समाप्त होने वाला और मेरा इरादा है ठाकुर जी से प्रार्थना करते रहते हैं एक दफे नहीं बार बार ठाकुर जी ऐसा करो प्रोपाद ये सिखाया मेरे को प्रोपाद जी ने कहते हैं जो व्यक्ति साधु का बेस लेकर आचार्य का बेस लेकर दुनिया का संपत्ति इकट्ठा कर रहा है दुनिया का लाभ पूजा प्रतिष्ठा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं इकट्ठा करने में लगे हुए हैं और अपना मनमानी विचार और अपना मनमानी विचार को साबित करने के लिए दे आर गोइंग टू स्पेंड लैक्स ऑफ रुपीस जो अपना जीवन जिंदगी में लाभ पूजा प्रतिष्ठा का पक्का कर लिया यही हमको चाहिए और जितना पैसा आदि आता है अपना सुविधा के लिए यह समाज संसार में प्रतिष्ठा पाने के लिए पैसा खर्चा कर रहा है ठाकुर जी कृपा करे कि ये लोगों का सकल मेरा मत का आखिरी घड़ी तक देखने का कोई इच्छा नहीं है देखने को ना मिले ठाकुर जी इतना कृपा करो ये लोगों का जो सकल है ये मेरे को देखने का कोई सुजग ना मिले मेरा अंतिम सांस तक ये मेरा इरादा है चाहे कुछ भी हो जाए हमारा कोई परवाह नहीं है मैं अपना लिए चिंता नहीं करता हूं अब ये प्रश्न आता है परम पूजा केशव कशव में कह रहे हैं अगर साधु ना मिले पक्का साधु क्या करोगे बोले कम से कम गुरु वैष्णव का जो प्रवचन है चैतन्य भागवत चैतन्य चैतन्य इनमें जैसी चैतन्य महाप्रभु का पार्षोदों का प्रसंग है कम से कम ये संग करे कम से कम ये संग करे इसमें ही आपका भलाई होगा कैसे समझे कोई पक्का एक को पक्का साधु एक कि पक्का आचार्य कैसे समझे ध्यान देना मरते दम तक इस विचार को नहीं भूलना अगर भूलोगे तो मरोगे मेरा करने का कुछ नहीं है एक सिम्टम देखना है क्या है गुरुचरण में इनके कितना निष्ठा है गुरुचरण में इनके कितना निष्ठा है और संप्रदाय के लिए संप्रदाय के लिए कितना प्रेम है गुरुचरण के लिए कितना निष्ठा है और संप्रदाय के लिए कितना चिंता है कितना प्रेम है ये दो चीज ध्यान देना ये बाजार में जाओ किसी मठ में जाओ यू कैन नॉट फाइंड दिस टू सिंटम्स मिलेगी नहीं आजकल का ये पक्का सिद्धांत तो है जिनके जिंदगी में संप्रदाय का कोई परवाह नहीं है कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए मेरा प्रतिष्ठा चाहिए तमाम जगह कंपटीशन चल रहा है मेरा गुरु जी का मठ मेरा गुरु जी का समाधि मंदिर इससे बड़ा करेगा अरे छागल कहीं का छागल कहीं का उल्लू का पट्टा तेरे को यह विचार करना है कि जिसके लिए समाधि मंदिर बना रहा है वो क्या खुशी होगा कि पोपात जी का जो मंदिर है इससे बड़ा मंदिर तू बना दे जिनका समाधि बना रहे वो तो खुशी होगा नहीं मेरा गुरु जी जी से बड़ा बना दिया क्या चल रहा है कंपटीशन खोपरी में बैठा हुआ है सारे ऐसा मेटेरियल चीजें सेवा करने का बहाना चल रहा है परम पूज्य बात हमारा गुरुपाद परम पूजी आर के जीवन जिंदगी में ध्यान देना देर इज अ स्पेशलिटी गुरुचरण में कितना निष्ठा है गुरुचरण में कितना डेडिकेशन है और संप्रदाय के लिए कितना चिंता है आह मैं ठाकुर जी का चरण में प्रार्थना करूं, ये ठाकुर जी हमारा गुरु जी को परम केशव को फिर लाओ ये दुनिया का जो हवा चल रहा है दुनिया का जो हवा चल रहा है ये कौन संभालेगा ये दुनिया का जो उल्टा हवा चल रहा है उसको कौन संभालेगा ये तो महापुरुष ऐसा चाहिए पोपाजी जी कहते थे गौड़िया मठ का मकसद क्या है और हमारा ये गुरु जी साबित करके दिखाया ये जो वेदांत समिति स्थापन की ये भी पोपाजी जी का इंडिकेशन ये जो वेदांत समिति स्थापन की इसका पीछे भी पौपा जी का इंडिकेशन है जब ही स्थापन की टू अरेस्ट द कारण of ऑफ दिस you know, मेटेरियल वर्ल्ड इट इज a seemingly ड्यूटी ऑफ of मठ पक्का गोरिया मठ का ड्यूटी करने जाए तो आप लोग मेरे को छोड़ दोगे फिर भी मेरा परवाह नहीं हम गोरियमट का ड्यूटी क्या है गोरियमट क्या है एज एज ए मेंबर इटर्नल मेंबर ऑफ गोरियमट। इफ आई एम गोइंग टू डिस्चार्ज माय ओन ड्यूटी आई एम श्योर यू कैन स्टार्ट इवोल्यूशन लेकिन करने का कुछ नहीं है करने का कुछ नहीं है हमारा ड्यूटी हमको करना पड़ेगा चाहे दो आदमी चाहे पांच आदमी चाहे एक आदमी अपरागिक जगत का अनुसंधान मिले हमको इसी का व्यवस्था करना है पोपा जी ने कहा और ये महापुरुष जी ने हर पल पल में कैसे सांप्रदायिक विश्व विश्ववैश्रम रह का एक मेंबर का रूप ए गौर मटका पोपा जी ने कहे ये चैतन्य मटका महिमा ध्यान देना ध्यान से सुनना जी ने कहा कई बार ए चैतन्य मठ का महिमा तमाम जगत में चैतन्य मठ का महिमा तमाम जगत में प्रचार करने के लिए इतना गौरियमठ प्रतिष्ठा का दरकार पड़ा आई बात समझ में पापा जी ने कहा तमाम जगत में चैतन्य मठ क्या है चैतन्य मठ का मकसद क्या है वट इज द आइडियलिज्म जी ने बोला चैतन्य मठ इज जस्ट इक्वल टू चैतन्य महाप्रभु अरे ये चैतन्य मठ का प्रकाश के लिए प्रसार के लिए इतना तमाम गौरियमठ का प्रतिष्ठा का दरकार पड़ा। पड़ा ऑफकोर्स जो महापुरुष लोग गौरियमठ स्थापन किया आई एम स्पीकिंग अबाउट दैट नॉट दैट कोई बंडेड सोल ग्रह प्रतिष्ठा कर दिया और मंदिर प्रतिष्ठा अरे पैसा है तो कर लो पैसा है कर लो खर्चा कर लो बट यू कैन नॉट गेट द क्लू आप प्राकृतिक जगत में जाने का जो क्लू है दो की है दैट इज नॉट अवेलेबल विथ यू दैट यू कैन नॉट गिव फोर्सफुली लेने जाओ तो यू कैन गेट अ फीडबैक जोर जबरस्ती नहीं चलेगी डेडिकेशन चाहिए तमाम जीवन जिंदगी जो कुछ है सारे महाराज जी का मापिक देना है तो यह सिद्धांत विकार महाराज जी का जिंदगी में देखा है इसका लिखने में इसका हरिकथा में इसका आचरण में कभी 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 भी नहीं मिलावट नहीं देखे और प्रतिभा आजकल का जमाने में ये सब कपट व्यक्ति ये जो कपट व्यक्ति हैं ये लोग कहते रहते हैं महाराज ये सब देखो चैतन्य चर्चा में तुम लिखा हुआ है काय मनोबाग्य कार्य उदवे उद्वेग न दीवे किसी को ना करवा बोल के टेंशन देना जरूरी नहीं है लेकिन पोपा जी ने बोला यस आई विल हैव टू गिव टेंशन टू यू टू एंगेज यू इन हरी भजन 100 परसेंट ये मेरा इरादा है गुरु जी का चरण छू मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं परम जो केशवि महाराज के चरण छो मेरा ये प्रतिज्ञा है आप लोगों टेंशन में डालेंगे टेंशन में डालेंगे भजन के लिए मेरा अपना कोई शर्त तो नहीं है मेरा आयस आराम का कोई चिंता ही नहीं है मेरा कोई आयस आराम का कोई चिंता नहीं है कोई परवाह नहीं है प्रतिष्ठा कुछ नहीं है बस इतना कृपा करे गुरुवर्गो बोलते चले सिद्धांत बस इतना ही कृपा हमारा गुरु जी मेरा ऊपर कर दे परम केशव कृषि महाराज आजकल का जमाने में ये गलत भावना पैदा हुआ जे सिद्धांत विचार कहने का मतलब है ये साधु नहीं है साधु कौन है कौन नहीं है कौन विचार करे आप करोगे कि कोई कपट व्यक्ति करे है? कौन विचार करेगा किसका हिम्मत है आओ सामने पोपा जी कह रहे हैं जे काय मनोवाक्य कार्य उद्वेग न दिवे इस चैतन्य चौध का ये बात का सहारा लेकर जो लोग तमाम दुनिया को भरका रहे हैं उल्टा रसा दिखा रहे चीटर भजन के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा हरि भजन के लिए आई एम रेडी टू गिव यू टेंशन आपको भजन करना पड़ेगा नहीं तो आपका साथ कोई कनेक्शन नहीं है कोई तालुकात नहीं है मेरा साथ किसी का मैं लोग व्यवहार नहीं करता हूँ लोग व्यवहार का जितना टाइम है आई एम गोइंग टू सेव ऑल माई टाइम एंड स्पीकिंग हरी कथा दैट इज वाई यू कैन फाउंड कैन फाइंड थाउजेंड सफरिक व्हाट इज द सीक्रेसी लोग व्यवहार नहीं है मेरा खाना पीना कुछ नहीं क्या करूं ये बानी से भा मिला है गुरु जी से आदमी का तमाम दुनिया में एक गलत भावना है कि अगर कोई प्रतिवाद करे वो साधु नहीं है ये साधु नहीं है हाय राम क्या बात है हमारा परम पूज्यवाद केशव के सिंह महाराज इनके गुरु जी प्रभुपाद भक्तिमुन ठाकुर सारे प्रतिवाद दिखाए जिसका हिम्मत नहीं है प्रतिवाद करने का नोइ फॉर श्योर इसका आचरण नहीं है आचरण में प्रतिष्ठित व्यक्ति इज लाइक ए लायन लाइक हमारा परमप केशव महाराज आचरण में प्रतिष्ठित सुप्रतिष्ठित कोई आचार्य जो, जो है ही इज लाइक ए लायन जो करके दिखाए किसका हिम्मत हुआ बोलो एक एक करके दो चार एग्जाम्पल दो तो आप हैरान हो जाओगे कितना पावर है कितना हिम्मत है चुचुड़ा में कितना लड़ाई हुआ पेपर फिर भी हिम्मत नहीं हारे एक गुंडा लोग मठवासी को मारने के लिए आया है क्यूआर बंद है छत का ऊपर से लंग करके ऊपर जाके साधु को पीटे केशव कश्यम के उसको भी मार उसको भी मार के फेंक दे नीचे ऊपर से मार वो ऊपर जा रहा है ना मर केस हुआ महाराज जी केस में उत्तर दिया और जयलाब की चुचुड़ा का जो आदमी है ये डकायत है बदमाश ये लोगों ने परम बुजार केशव कश्यम के को आके धमकी देने के लिए आए तेरा धमकी सुनने के लिए ना मैं ही बैठा नहीं हूं तेरा धमकी सुनने के लिए बैठा नहीं हूं आप क्यों आए चुचुड़ा शहर में आपका आने का क्या दरकार है क्या काम है क्या काम है आप चुचुड़ा में आए आप जाओ जंगल में जाओ आप सन्यासी हो आप जंगल में जाओ साधु लिया कैसे कैसे मैं आज बोले हाँ जंगल में जितना जंगली जानवर है उससे भी ज्यादा जंगली जानवर चुचूड़ा सिटी में है इसीलिए आया है उल्लू का पट्टा इसीलिए आए चल जो करना है कर ले जंगल में जितना जंगली जानवर है उससे भी बढ़कर इतना जंगली जानवर इधर है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए मैं आया हूं किसका हिम्मत है बताओ किसका हिम्मत है महाराज जी के बारे में एक महाभारत हो जाएगा आप इपिक्स महाराज जी का जीवन चरित चर्चा करते चले अन एंडिंग मेरा गुरु जी एक लंबा एक लेखनी में महाराज जी के चरण में पुष्पांजलि दी हाय हाय मैं आपका संग से वंचित हो गया हूं आप चले गए हो जगत से भजन विज्ञो आजकल का समाज में देर इज नो स्कर्सिटी ऑफ मानी पोजिशन नथिंग एक चीज का कमी है क्या कमी है ये भजन बिगो वेरी एक्सपीरियंस साधु भजन करने वाले बड़ा पक्का साधु का अभाव है क्यों है क्यों है क्या कारण है पोपा जी उत्तर दे है आजकल के जमाने में साधु का बड़ा स्कॉर्सिटी है किस लिए है किसलिए है पोभाजी ने उत्तर दी वो इसलिए है कि समाज का आदमी आजकल ये सब पक्का साधु को दे लाइक टू अवॉइड देम दे लाइक टू ए छोड़ दो बेकार छोड़ दो ये अपना ही गले को काट रहा है ये अपना ही गले को काट रहा है इसको पता नहीं कि क्या कह रहे बकबास पक्का साधु को अवॉइड करता है उसको हरिकथा बोलने नहीं देते हरिकथा बोलने नहीं देते और बाजार का जो बगवास है करते रहते हैं हरिकथा सुनने का हिम्मत नहीं है किसका हिम्मत है हरिकथा सुनने के लिए कितना हिम्मत है किसका पास है जो सुन के सहन करे हरिकथा मीन ऑपरेशन ये परम पूजा केशव कृषि में के जीवन देखो महाराज जी का सेवा जो है ये कुरेश का साथ श्रील रामानुजाचार्यो का जो सेवक थे कुरेश आचार्यों, कुरेश जी का साथ तुलना किया जाए महाराज जी का जो सेवा है कैन इजीली बी कंपेयर्ड विथ कुरेश कुरेश का मापिक सेवक आजकल का दुनिया में तो दूर की बात है पृथ्वी का इतिहास में इन द हिस्ट्री ऑफ दिस इन ह्यूमन लाइफ मानव जाति का इतिहास में कुरेश जैसा सेवक मिलना मुश्किल है अब ये कुरेश का साथ हमारा परम पूज्यवाद गुरुदेव हमारा ये तो आनंद की विषय है ये इन्होंने जब भी मैं अज्ञ्य हूँ अनफिट हूँ नालायक हूँ फिर भी मेरे को ये अधिकार दिया कि मेरे को गुरु बोल के संबोधन कर ये मेरा अहोभाग्य है इन्होंने मेरे को ये ये दिया है अधिकार तो इसीलिए नहीं तो मैं नालायक हूं इसका नाम करना इसका महिमा करना मेरा बस का काम नहीं है अगर हृदय में बैठा के करा ले तो ठीक है जब प्रभुपात का ऊपर आक्रम है, डिटेल्स में ये सब चर्चा नहीं करना चाहता हूं तो एक पॉइंट एक पॉइंट क्योंकि ये सब गप करने के लिए मैं बैठा नहीं हूं बानी स्वरूप क्या है ये महापुरुष का ये बानी स्वरूप क्या है टू रियलाइज दिस थिंग हमको पूरा जिंदगी भर ये चेष्टा करना पड़ेगा उसका बानी स्वरूप क्या है हर महापुरुष का भगवान का सबका ऑन्टोलॉजिकल एस्पेक्ट अमोरपोलॉजिकल एस्पेक्ट हमारा गुरु जी से हमको शिक्षा मिला है महाराज जी इधर जन्म लिया इधर ये पढ़ाई किया ये सब चर्चा करने के लिए समय तो चाहिए अच्छा होगा लेकिन सबसे बढ़िया गुरुवर्गों से सीखा है जे ये महापुरुष को समझने के लिए इसका वाणी का सहारा लो ये इनका जवान से निकला हुआ जो सिद्धांत तो विचार इसका आचरण है इसका आदर्श तो आइडियालिज्म है ये सब समझना चाहिए ये समझने से बस इनके किपा मिलना बड़ा इजी है नहीं तो संभव नहीं है मैं एक लाइन एक लाइन कहना चाहूं जो जब नवद्वीप परिक्रमा के ऊपर असुर असुर लोगों का आक्रमण भय तो तमाम परिक्रमा पार्टी स्कैटर्ड हो गया विक्षिप्त इधर उधर भगने लगे और पौपाध जी का जो सेवक है वो भी पौपाध जी को छोड़ के भगने लगे समझ लो क्या आप कहना चाहता हूं हम किसी का चर्चा करने नहीं बैठे बट फिर भी अगर हमारा कथा का अंदर में कोई चर्चा आ भी गया तो यू समझ लो इट इज विथ गुड इंटेंशन विथ ऑनेस्ट इंटेंशन जो भक्ति में ठाकुर जी ने बताया अगर हमको किसी स्थिति का किसी अवस्था का चर्चा करना पड़े वो भी मंजूर है बट इट शुड बी विथ पॉजिटिव मूड ये चर्चा करना ये ऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए हमारा ऑनेस्टी नहीं है अगर ऑनेस्टी नहीं है तो हमको बोलने का भी अधिकार नहीं है पापा जी अक्सर कहते थे पर स्वभाव कर्मानी न प्रशंसित नौ, नौ गर्थ दूसरे का चिंता दूसरे का निंदी, निंदा चुकली और प्रशंसा मत करो क्योंकि यू आर बॉन्डेड सोल When you are going to criticize, you are going to concentrate on his character. आप अगर किसी का निंदा चुकली करने जाओ उसका ही तस्वीर हृदय में आएगा कहाँ जाओगे इसका जो दोष है सब आपका अंदर में आने वाला है कहाँ जाओगे कहाँ भागोगे बदजजीव का अधिकार नहीं है लेकिन कोई विशुद्ध गरीब वैश्वप जिनका जीवन जिंदगी वानी सेवा के लिए डेडिकेटेड है ये मरने के लिए भी तैयार है कभी भी मार डाले फिर भी प्राण जाए पर बचन न जाए ये सिद्धांत तो विचार ऐसा है जैसे एक धनुष का प्रत्युंचा से एक तीर निकाल गया तो गया तो गया वो वापस नहीं आ सकता जितना भी इवोल्यूशन कर लो एजुटेशन कर लो ये सिद्धांत तो विचार ऐसा है सिद्धांत तो पैसा हम वापस नहीं ले सकते सिद्धांत तो विचार मतलब गया और ये गलत भावना छोड़ दो कि किसी का अंदर में भक्ति है लेकिन सिद्धांत तो नहीं है ये गलत फहमी गलत भावना ये विचार को छोड़ दो फेंको किसी का अंदर में भक्ति है लेकिन सिद्धांत तो विचार नहीं है पूरा सरासर गलत है क्योंकि तो विचार एंड भक्ति टोटली totally, एक साथ है भक्ति है सिद्धांत तो विचार नहीं है ये सरासर गलत है उल्टा है हो ही नहीं सकता ये हो ही नहीं सकता चैतन्य चैतन्य तो में लिखा हुआ है सिद्धांत तो बोलिया चिते ना करो आलोस यहां होते किशने लागे सुधीर मानोस चैतन्य तो में लिखा हुआ है सिद्धांत तो बोल के आल, आलसी मत करो सारा दिन इंटरनेट लेके ऐसा 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 करके दुनिया का साथ कनेक्शन जोड़ रहे हो अपना समय को गंवा रहे हो अपना वैल्यूएबल समय को खराब कर रहे हो आजकल का जमाने में जो सब इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है वो लोग कहते हैं कि महाराज टाइम इज मनी, टाइम इज मनी हाउ वी कैन वेस्ट मनी? लेकिन पोपा जी कहते हैं टाइम इज परमार्थ टाइम इज नॉट मनी टाइम इज नॉट मनी टाइम इज परमार्थ ध्यान देना इस विचार पर टाइम इज परमार्थ हो एक पल भर समय खराब नहीं करना ये भजन का सिक्रेसी है महाराज जी ने कितना प्रतिवाद किया है कितना प्रतिवाद हमारा गुरुवर्गो ने ऐसा प्रतिवाद नहीं किए होंगे इतना आह रामनारायण विद्या रत्न बोल के राम नारायण विद्या बोल के एक जाने माने पंडित बहरमपुर का इन्होंने एकादशी का पारण के बारे में वृत्तोप का पारण के बारे में कुछ गलती लिखा था हमारा ये लायन जो सिंह पुरुष ये महापुरुष जी ने इतना उत्तर दिए उसका हिम्मत नहीं है कि उसका बदले में उत्तर दे इन्होंने लिखे भैया आपको संस्कृत में कोई बेसिक नॉलेज नहीं है आप कैसे पंडिताई करोगे हैं आचमन के बारे में उल्टा लिखा बोला आचमन करे ये जो विभक्ति लगाया ये तो आपको एबीसी ज्ञान नहीं है संस्कृत में महाराज कितना हिम्मत है इतना वाला जाने माने पंडित को खुला खुल्ला चुनौती दे दिया हिम्मत है तो प्रमाण करो कितना शिकायत आया हमारा ये गुरु पात्म जबकि इनका जिंदगी में कोई किसी ने कसर नहीं छोड़ा निंदा करने के लिए एक के सब महाराज ऐसा है के सब महाराज ऐसा है फलाना है वो कहते रहे आइए महापुरुष का जो गुरु सेवा है ये देखने लायक है सब अपना सेवा प्रभुपात का ये भगा और महाराज जी ने कुरेश का मापिक प्रोपा जी का संन्यास बेसर दंडो को लिया और जी को ये पोपा जी ने ये सेवा दिया है कितना सुंदर विचार है बाहरी दृष्टि में बाहरी दृष्टि में महाराज याज ऑलवेज बिजी विथ मेटेरियल थिंग लेकिन महाराज जी का जिंदगी में एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए मैटर नहीं है चाहे आप कहना आप कहना चाहो कि महाराज जी चैतन्य मठ का जितना सारा स्टेट है लैंड्स एंड प्रॉपर्टीज इसका देखभारी किया सो व्हाट सो व्हाट इसका मतलब क्या है कितना केस कमारी किया केस है? कितना केस किया कितना सब किया लेकिन फिर भी भक्ति में अटल है क्योंकि महाराज जी का जो केस करना है जो केस फाइल किया दर्ज किया एक, एक 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 करके केस दर्ज किया तो ये महाराज महाराज जी, जी के लिए भक्ति है और जबकि हमारा लिए हरिनाम करने ये भक्ति नहीं है महाराज के लिए भक्ति है कभी अगर चर्चा होए लंबा चौड़ा ठाकुर जी का कृपा से कभी तीरो बाब तो आने वाला है तो हम चर्चा करेंगे हम दिखाएंगे ये महापुरुष बाहरी दृष्टि में ये लैंड एंड प्रॉपर्टी का देखवाली कर रहा है कितना सारे केस चल रहा है बाइट लाइफ वॉज टोटली डेडिकेटेड डेडिकेटेड फॉर गुरु जी के लिए तमाम सब कुछ एक एक करके कहानी बताए पागल हो जाओगे आनंद से बाहरी दृष्टि में महाराज बिजी है लेकिन महाराज वेदांतों का विचार लिख रहा है एक किताब लिखा था महाराज मायावाद जीवनी मायावाद का जीवनी लिखा इतना अनोखा किताब है देखने का लायक है महाराज जी ने लिखा लेकिन वो गौरी एडिटर ने ये लेखनी को महाराज से लिया है लेकिन छापा नहीं था इसके बाद पोपाध जी जाने का बाद जोगो माया का क्या अरेंजमेंट है कौन जाने केसव गुशी महाराज जी अपना भाई सगे भाई उसके विरुद्ध में केस किया यू आर डेविएटेड फ्रॉम सिल कोस केस किया महाराज जी महाराज जी केस किया और केस में बाहरी दृष्टि में महाराज जी का जयलाभ नहीं हुआ बाहरी दृष्टि में ये हमारा परम भारती महाराज जी नरोत्तम ब्रह्मचारी इन्होंने कहा महाराज जी आपने इतना केस किया सब कुछ किया लेकिन अंतिम में तो पराजय हो गया महाराज क्या कह रहे हो क्या कह रहे हो बोले आपने बुरा ना माने अब तो पराजय हो गया पराजय हो गया पराजय हुआ कैसे पराजय हो गया बोला हम लोगों का केस करने का के क्या मकसद था कि वो लोग जो नवदीप धाम परिक्रमा बंद कर दिया शनास लेना बंद कर दिया हरिनाम संकीर्तन को चिल्ला चिल्ला कर कहना माना कर दिया जबकि शास्त्र में पुमान है हरिनाम परम जप्यम ध्ययम गेयम निरंतरम लिखा हुआ है शस्त्र में अब ये लोग ने अपना अलग ग्रुप बनाया पोपात जी से भागोगे अब ये सब किया नवदेप नवदीप परिक्रमा बंद है हरिनाम को हरे कृष्ण बोलना नहीं चाहिए ए, मौन रह के कहो पोपाज की शन्नास नहीं चलेगी बंद कर दो ये तमाम विचार को के सब गुस्से में प्र, प्रोटेस्ट किया अपना भाई का विरुद्ध में तुम्हारा विरुद्ध में केस है तुम पोपा से डिबेट हो गया अब केस चलते रहे और अंतिम दिन जो फाइनल सुनानी है मतलब फाइनल जो वर्डिक्ट, जो जज बोल, इस समय में ये ऑपोनेंट पार्टी जो है इच्छा करके खोल करताल लेके संकीर्तन करते करते कोर्ट में गया हरिनाम महापू और आठ आदमी को बाद में अठारह आदमी को पहले आठ आदमी को संन्यास दिया और फिर नवद्वीप भाम परिक्रमा चालू किया इतना ही नहीं भक्ति सिद्धांत सरस्वती गौरिय मठ ये नाम लेकर गोद्रुम में मठ कर लिया अब जाज है जाज का सामने केशव में खड़ा है ये लोग भी उसका भाई खड़ा है अब जाज ने बोला आपने जो शिकायत किया ये तो हम देख रहा है ये सब संकीर्तन कर रहा है तो कैसे हम माने के सब गुस्से महाराज ने अंतर में बड़ा आनंद हो गया क्योंकि जिसका लिए केस किया था दैट इज सक्सेसफुल जिस कारण ये केस चला ये लोग पराजित हो गया बाहरी दृष्टि में बाहरी दृष्टि में ये लोग पराजित नहीं हुए के सब गुस्से में पराजित हुए लेकिन केसव से मैंने कहा हमारा मकसद क्या था हमारा मकसद क्या था पोपात का आचार आदर्शों को स्थापन करें ना तो ये तो सक्सेसफुल है तो इसी को तो बाहरी दृष्टि में हम पराजित है लेकिन हमारा जय हुआ कितना इन सुंदर विचार है कितना प्रोटेस्ट किया प्रोटेस्ट का भाषा सिद्धांत तो एक, एक करते हम कहते चले तो एक महाभारत बन जाएगा आ अपना जिंदगी में जो हम पहला प्रतिवाद लिखना शुरू कर दिया मेरा जिंदगी में ठाकुर जी का कृपा से गुरु वैष्णव का आदेश का अनुसार जब हम पहला प्रतिवाद लिखना शुरू कर दिया जो शाहरा पुली में एक टूटा हुआ टेबल और चेयर में बैठ के और कागज़ भी नहीं था कलम भी नहीं था कलम था एक छोटा मोटा उसमें लिखना शुरू कर दिया और केस्टो बाबू आके मेरा साथ बात करना सो हम मेरा केश्टो बाबू थोड़ा रुको मैं भूल जाऊं और वहाँ परम मुझे केशव के श्री महाराज जो शरण किया शरण करके गंगा के किनारे ये मेरा पहला प्रोटेस्ट नोट इसके बाद कितना लिखना ये महाराज जी का कृपा से कितना प्रोटेस्ट किया चाहे कोई आदमी बोले शैम बाबा इज जीनियस और कोई कहे कि जानवर है मेरे लिए समान है कोई अगर कहे कि सैम बाबा जीनियस है और कोई अगर कहे कि जानवर है मेरे लिए बराबर है मैं कुछ ध्यान नहीं देता हूँ एक दफे महाराज जी को झूठा इल्जाम मार्डर केस महाराज जी को झूठा इल्जाम लगा के मार्डर केस देके महाराज जी को जेल में भेज दिया बहुत सारे कहानी है बामन गुसे आज का आविर्भाव तिरुभाव में चर्चा हो पाएगा अभी टाइम नहीं है बहुत सारे चर्चा करने का चीज़ महाराज जी ने क्या किया जेल का अंदर से जेल का अंदर से एक ओकिल एक मिदनापुर का एक बड़ा धुरंधर मिदनापुर का एक धुरंधर ओकिल इसको अपॉइंट किया वो भी हमारा सज्जन सेवक ब्रह्मचारी संतोष इसको भेजा तू जा मेरा ये नोट लेके जा वकील का पास वकील का पास जा वकील को समझाया केस का टॉप टू बॉटम सारे बताया मजबूरी से जेल आना पड़ा जोर जबरस्ती भेज दिया आप सोरा न्याय करो केस का प्रोसिक्यूशन चल रहा है और अंतिम में ये जो वकील है इन्होंने ओपोनेंट पार्टी को बुलाया अच्छा ये बताओ ये जो मर्डर केस है कहाँ हुआ था भले ये जगह हुआ था पहला बात यह है ये जगह कैसे आया ये तो विनोद बाबू का जगह है विनोद बाबू बैठ के अपना स्टेट का कामकाज करते हैं इसका मतलब है आपका आपका आदमी इसको मारने के लिए वह किसी भी हालत से गया था तो मारा तो अपना जगह में था तो ये जो आप जो कह रहे हो मार्डर का मर्डर नहीं किया ये पैर पैर का ऊपर से गिर के मर गया और महाराज जी को जय में पिटा के मरा दिया महाराज जी ने जय युक्त तो हुआ कई बार महाराज जी के बारे में पोपात का सामने शिकायत आया महाराज ये विनोद बाबू विनोद प्रभु इतना पैसा खर्चा करता है कि मा ये हम लोग इतना डोनेशन फोनेशन लेके आता हूं इतना कष्ट की पैसा वो खर्चा करता है एक बोर्ड वाले एक बोर्ड वाले को बुलाए गंगा को पार करने के लिए तो चार बोर्ड वाले को पैसा दे देते ऐसा दरका क्या है महाराज पोपाजी जी को शिकायत की पोपाजी जी ने बोला देखो आपका जिंदगी में आपने कितना पैसा खर्च किया अपना घर में ये बताओ आपका घर में रहते समय कितना पैसा खर्च किया बोले एक पैसा तब की ज़माने में एक पैसा का इतना वैल्यूएशन था आप हैरान रह जाओगे एक पैसा पापा जी ने पूछा अच्छा ये बताओ आप अपना पूर्वाश्रम में कितना पैसा खर्चा करते थे बोले महाराज एक पैसा अभी कितना पैसा खर्च कर रहे हो दस पैसा दस बारह भी हो जाते कभी कभी <coughs> और विनोद का कैसा पर्चा कितना पैसा खर्च किया तो पाँच रुपया खर्चा कर दिया अच्छा ये बताओ बिनोद बाबू अपना पूर्वाश्रम में तब की ज़माने में पांच सौ रुपया खर्चा करते थे एक ज़मींदार का लड़का है तो पांच सौ रुपया खर्चा करते थे वो अभी पाँच रुपया खर्चा कर रहे है अब किसका उंसिएशन बैराग्य ज्यादा हुआ ये पांच सौ रुपया खर्चा करते तो पांच रुपया तुम्हारा एक पैसा खर्चा करते हो तो दस पैसा खर्चा करते एक रेशियो बनाओ कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऐसा मत सोचो विनोद बिहारी विनोद प्रभु जो कर रहा है उसका दोष मत देखो इसका पीछे गहरा राज है मठ का चारों ओर मुसलमान था महाराज जी स्टेट को संभालते हैं भगवान तो भरोसा है ही है कभी अब दो चार बंदा को दरकार पड़े, तो बोला ए आ जा तो चैतन्यमन कौन मैंने कोई सेवा के लिए बोला आ जा वो आ जाएगा विनोद बाबू को सम्मान करता है विनोद बाबू किसी भी चीज विदाउट एनी रीजन विदाउट एनी गुरु सेवा नहीं करते हैं कितना सारे जमीन का फासला किया पोपाजी हैरान रह गए चाद का का समाधि किसी भी हालत से मिलने वाला नहीं था ये महाराज जी उद्धार किया ये खोला बैचा सिर जो है इसका जो स्पॉट है ये महाराज जी ने उद्धार किया ये जो शिवा संगन में जोड़ा हुआ जो जितना लैंड एंड प्रॉपर्टी है महाराज जी ने उद्धार किया पोपाजी जी जी एक दिन अपना दर्द भरे नाले सुनाए विनोद विनोद प्रभु क्या भक्ति विनोद ठाकुर का जो शान भक्ति विनोद ठाकुर का जो भजन का स्थली है ये तो आउट ऑफ रेंज हो गया हाथ का बाहर ये क्या हमारा हम लोगों का मठ के अंदर नहीं आ सकता बिल्कुल मिलेगा भोपाल बिल्कुल मैं वादा करता हूँ करके रहूंगा किया है निंदा चुकली कितना हो रहा है लेकिन ये महापुरुष का अंतर तो देखो ये महापुरुष का एक चरण धूलि लेके तो अपना मस्तक में लगाओ उसका बात देखो क्या रिजल्ट मिलता है क्या फल मिलता है ये तो देखो निंदा चुकली करने से क्या फायदा ये महापुरुष है महापुरुष है कभी इसका तिरोभाव में भी चर्चा करे तो बहुत हर्चा ये तो एंडलेस है महाराज जी का एक थोड़ा सा बात कह के मैं विश्राम देना चाहूँ आप लोगों को अभी विश्राम का समय है मेरा तो खैर छोड़ो ऐसे ही जिंदगी जा रहा है एक दफे पूर्वाश्रम अपना पूर्वाश्रम से एक लेटर रहे कि माताजी बहुत असुस्थ है मैया आपको घर जाना है आना है माँ मैया ने माताजी ने बेटा का सकल देखना चाहे अंतिम समय में अब ये जो चिट्ठी है ये पोपात का हाथों में आया तब तो की जमाने में आपका माफी कोई सिक्रेसी नहीं था नो no ब्रह्मचारी सन्यासी कैन मेंटेन एनी सिक्रेसी दैट इज नोट द रूल्स अ लाइफ ऑफ ए साधु इज ओपन टू ऑल एक साधु का जिंदगी कोई छुपा हुआ नहीं है कि क्या गलती किया क्या कुछ किया लड़कीबाजी किया कि क्या किया ये सब नहीं है ये साधु का जिंदगी ओपन टू ऑल सारे देख लो क्या है ये चिट्ठी को लेके प्रोपा जी ने पढ़ा है पढ़ने का बाद विनोद बाबू को विनोद विनोद प्रभु को बुलाया और विनोद बाबू को बोला आपका घर से एक पत्र आया चिट्ठी आया तो आपका माताजी बड़ा असुस्थ है यह आपका आपको देखना चाहता है अंतिम समय के लिए तो एक काम करो आप तैयार हो जाओ आप तैयार हो जाओ जाने के लिए तैयार हो जाओ जाके वो दर्शन दे के आओ थोड़ा घर में जाओ विनोद बाबू माथा नीचू करके सुना है पोपात को दंडवत प्रणाम किया है और उसके बाद अपना ही अपना ही काम में चला गया अपना जो काम है काम में सेवा अब अब जब संधार जब संधारती होने जा रहा है उस समय क्या हुआ जी ने देखा रे विनोद विनोद प्रभु इधर है आरती देख रहे हैरान रह गया विनोद इधर है आरती हो गया विनोद को बुलाया क्या है आपने गया नहीं अभी तक अब जाने का बात था हमने बोला जाओ माताजी माता जी को दर्शन देके आओ फूट फूट के रो पड़े बोले महाराज भापात आप मेरे को परीक्षा करना चाहते हो आप मेरे को परीक्षा लेना चाहते हो आप मेरा पिता है आप मेरा माता है आप मेरा भाई बंधु है जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया ना तमेव माता च पिता तमेव है तमेव बंधुश्च सखा तमेव तमेव विद्वाम द्रविणम तमेव तमेव सर्वम मम देव देव हैरान हो गया पापा जी के सामने रोना शुरू कर दिया आप क्या चाहते हो आप परीक्षा कर ले लेना चाहते हो मेरा पिता माता भाई बंधु यू आर माई ओनली सपोर्ट यू आर माई ओनली सपोर्ट गुरु जी को ऐसा करके अगर आश्रय ना करे तो कभी भी भजन में मंगल नहीं होने वाला ये शिक्षा है होल लाइफ ऑफ केशव गश्मी महाराज इज वन काइंड ऑफ यूनिक आइडियालिज्म इन आवर लाइफ हमारा जिंदगी में हमारा जिंदगी में केशव गोस में आइडियालिज्म पो हर बगल हरी कथा बोले तो देखो इन लोगों का ही चर्चा आ जाता अपना कुछ नहीं है केशव गशी महाराज ने कहा कि आप मेरा सब कुछ है गुरुजी कभी कभी परीक्षा लेते हैं शिष्यों को कहते हैं आप थोड़ा ये कर लो जाओ आप देखते हैं कि इसका गुरु निष्ठा कितना है इनके गुरु निष्ठा कितना है ये तो बोलते चले हम लेकिन समय नहीं परमिट करें हम क्या करें तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव शो मह शवम तदेव शोकर नव शोषणम निम अनुगीयते कभी इसका चर्चा हो पाएगा बांछा कल्प दुर्वश्य के पासिंद बच पति दान पावन ब्यो नमो नमो वेदांत समिति मेरा है आ, तो आप क्या बोलोगे माँ का सामने मासी का गप बोलोगे क्या गौरीबेंद मेरा है और मेरा क्या आता जाता है तो करेगा ही हमारा अपना चिंता कुछ नहीं है थोड़ा गलत भावना हो गया था मेरा एक पिताजी ने मेरा पास लिस्ट भेजा एक इंपॉर्टेंट डेस तिथि महाराज दो जद इंपॉर्टेंट डेस हमने सोचा कि ये सब तिथि में मेरे को आदेश किया मेरा पिताजी हरि बोलने के लिए मैंने बोला देखो बेटा हफ्ता में एक सप्ताह में हक एक दिन दे सकता लेकिन उन्होंने मेरे को सुनाया कम से कम महाराज जी गुरु वैष्णव का आविर्भाव त्रीवात ये तो आप कम से कम ये करो हमने सोचा कि है तो ये गलत फहमी हो गया और कुछ नहीं है था तो प्राण है महाराज जी का कृपा मिलेगा जो भी है गौरी वन में, में मेरा है तो मेरा ही प्रशंसा कर क्या करोगे आप <laughs> जो भी है कीर्तन बारे में हमने बहुत कम ही सुनने को मिला था महाराज जी बहुत सुंदर उदाहरण

ठाकुर जी का कीपा है जय गौर जय गौर जय गौर